तो गाइस फाइनली जो है सचिन भाई ने जो माफी मांग ली है, जो गलती इन्होंने की थी वो सचिन भाई ने गलती को मान लिया है। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपसे पहले सचिन भाई के ऊपर 3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, यानी कि 3 वीडियो में मैंने एक ही बात समझाई थी कि जो आप प्रमोशन कर रहे हैं वो गलत है। तो सचिन भाई ने जो ये जो गलती मान लिया, वो गलती किस तरीके से मानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती उन्होंने किस तरीके से मानी है, यानी कि उन्होंने जो कहाँ पर पोस्ट की और कहाँ पर पोस्ट नहीं की, यानी कि उन्होंने कहाँ पर बताया कि जो है ये जो भी मैं मतलब प्रमोशन कर रहा था वो जो गलत था, तो वो उन्होंने कहाँ पर बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल तो नहीं होने वाली, मतलब कुछ सीखने को मिल सकता है आपको इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अब बात कर रहे थे कि सचिन भाई ने किस तरीके से सॉरी मांगी है, तो गाइस मैं आपको जो सचिन भाई की सबसे पहले कम्युनिटी टैब दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस फाइनली अपना जो है हम YouTube ओपन करते हैं, YouTube ओपन करने के बाद सर्च हम यहाँ पर सर्च करते हैं सचिन टैग, यानी कि सचिन टैग भाई के चैनल को यहाँ पर हम सर्च करेंगे सचिन टैग। और जैसे ही हमने सचिन टैग का चैनल सर्च किया, यानी मतलब सचिन भाई का चैनल सर्च किया, सर्च करने के बाद हम सीधा कम्युनिटी टैब में पहुँच जाते हैं। कम्युनिटी टैब में पहुँचने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो सचिन भाई की एक पोस्ट है, यानी कि यहाँ पर आप एक पोस्ट पढ़ पाएंगे। यहाँ पर लिखा है सचिन भाई ने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरी वीडियो देखो या ना देखो। गाइज मैंने उस वीडियो में ये भी बात बताई थी कि मतलब जो सचिन भाई कोड देते हैं अपनी वीडियोस में, यानी कि 50% वीडियोस होने के बाद फिर वो कोड देते हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा एंड अब आपको कोई कोड भी नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये कोड देते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं आपको कोई कोड भी नहीं मिलेगा वीडियो में। और फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम पर ये अपना कोड को सेंड करवाते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पर जो कोड को सेंड करवाते हैं। और फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है मैं सबको ऐसे ही सपोर्ट कर दूंगा, बस आपको आप उनको सपोर्ट करना है जिनकी वीडियो देता हूँ बस। गाइज मैंने ये बात भी बोली थी कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो आपको जो ऑटोमेटिक सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि किसी का भी चैनल उठाओ और अपने कम्युनिटी टैब में डाल दो। वो भी बात इन्होंने यहाँ पर जो एक्सेप्ट कर लिया, जो मैंने उन 3 वीडियो में बताया था। और फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि अपने लिए इतना करो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सो प्लीज़ ये सोच मत लाना अपने माइंड। तो गाइज़ जैसे कि आपने कम्युनिटी टैब देख लिया हुआ कि सचिन भाई ने क्या लिखा हुआ है, तो गाइज़ यही बात जो मैं अपनी अब से 3 जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उन तीनों वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि कभी भी प्रमोशन करना है तो प्रमोशन करो, या मतलब कोड वोड देकर कोई भी प्रमोशन ना करो, ना ही कोई इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए बोलो। तो गाइज़ अगर प्रमोशन ही करना है सचिन भाई ने, जो मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि प्रमोशन किस तरीके से करना चाहिए, वही सचिन भाई ने अब जो है अपनी कम्युनिटी टैब में बता दिया है कि मैं जो किस तरीके से प्रमोशन करूंगा, यानी कि वो ऑटोमेटिक अपना प्रमोशन मतलब किसी भी चैनल को उठाएंगे और अपनी कम्युनिटी टैब में डाल देंगे। जो मैं चाहता था वही इस टाइम हो चुका है, यानी कि सचिन भाई ने जो अपनी माफ़ी मतलब अपनी गलती को मान लिया, यानी कि मैं जो इस टाइम काफ़ी हैप्पी हूँ, यानी कि बहुत खुश हूँ जो कि सचिन भाई ने जो मेरी जो भी मैंने बात कही थी वो सचिन भाई ने मान लिया है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आपको वो अगर आपने वो तीनों वीडियो देखी होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा, ये वीडियो आप अगर आप देख रहे हो तो उन तीनों वीडियो देखने के बाद जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो गाइज़ यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। और सचिन भाई आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे उन तीनों वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो, या मुझसे मैंने आपके बारे में अगर कुछ भी गलत बोला हो, यानी कि आपको कुछ हेट पहुंचाया हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो गाइज़ अगर आपको भी कुछ हेट पहुंचा हो मेरी बात से या उन तीनों वीडियो से, तो गाइज़ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। और सचिन भाई आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि जो मैंने आपके ऊपर 3 वीडियो बनाई वो क्यों बनाई थी, क्योंकि आप जो है गलत काम कर रहे थे, इसी कारण जो मैंने वो जो 3 वीडियो बनाई थी, यही मेरा मकसद था वो उन 3 वीडियो बनाने का। और ये 4th वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जो है मैं इसलिए ये वाली वीडियो बना रहा था 4th की, क्योंकि जो आपने अपनी कम्युनिटी टैब में पोस्ट की है, जो पोस्ट आपने की वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि आपने लोगों को बताया कि मैं जो प्रमोशन करता था, यानी कि कोड वोड अब कुछ नहीं होगा, ना ही आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। तो गाइज यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। और सचिन भाई से फिर लास्ट बार माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइज यही थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, क्योंकि जो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और गाइज मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।